विद्यार्थियों, जब आप लोग बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिए हैं, बीएससी बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन लिए हैं, तो कुछ कैंपस में प्लांट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज आप लोग को मेडिसिन प्लांट ऑफ पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद के कैंपस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये औषधीय पौधे का एक पुराना इतिहास है। बहुत पहले टिक्स आयुर्वेद नाम की एक किताब हुआ करता था, जो ये एलोपैथी होम्योपैथी सबका एक बेस है। चरक ने अपने चरक संहिता में औषधीय पौधे के बारे में बताया है। सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में औषधीय पौधे के बारे में बताया है। आज से बहुत पहले की बात है, मुगलकालीन समय में बिंदुसार ने मेडिसिनल प्लांट पर बहुत सारी औषधीय पौधे के बारे में बताया। उसके बाद आता है मुगलकालीन समाज। मुगलकालीन समय में भी एक लेखक हुआ करता था आईबीएन सिन्हा, जो एक किताब लिखा था जो 18 वॉल्यूम में है। इसके बाद अंग्रेज़ भारत में आया। अंग्रेज़ भारत में आने के बाद एलोपैथिक का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। एलोपैथिक एक बहुत कॉस्टली मतलब औषधि है। तो हमारे ये झारखंड जो है, झारखंड में दूर दराज के इलाकों में गरीबी संख्या बहुत है, जो कि एलोपैथी दवाई का साइड इफेक्ट है ये है, प्लस उसमें दाम का भी बहुत डिफरेंस है। जहाँ पर अभी डॉक्टर का एक डॉक्टर दिखाने जाइए 500 रुपया उसका फीस है, प्लस मिनिमम दवाई 1000 रुपया का लग जाता है। वही हम कुछ औषधीय पौधे को अगर जानकारी रहे तो बिना पैसा का भी मेरा ये हो सकता है, इलाज हो सकता है। तो ये आज हम कुछ औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे कैंपस में है, जैसे पोलियो एल्थिया लॉन्गीफोलिया। नाम लिख दें क्या इसको? पोलियो एल्थिया लॉन्गीफोलिया भी कहते हैं, और सारा का इंडिका कहते हैं। ये फैमिली सीजर पिनेसी का है। सारा का इंडिका वर्टिकल नाम है, ये इसका फैमिली है। इस पौधे की छाल को अगर हम इसको निकाल के आधा करीब एक लीटर पानी में उसको फुटा देते हैं, मैंने उबाल देते हैं, और जब करीब 250 ग्राम रहता है वो पानी को अगर किसी औरत को कुछ उसकी मात्रा है 2-3 चम्मच रेगुलर अगर 15 दिन 1 महीना पिलाया जाए तो आराम से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये यहाँ करीब करीब हम लोग इसको देख चुके हैं और बहुत सारी किताब में भी इसका उल्लेख है। दूसरा कैंपस जो हम लोग कैंपस मिलता है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये फैमिली थेवेसी का है। इसका एक बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। हालांकि कुछ आदमी को कहना है कि ये मेंडलियन डिस्प्यूट भी हो सकता है। संथाल लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर कोई मैंने गोरा ये गोरा बच्चा पैदा करना है, हालांकि इसमें बहुत सारा कंट्रडिक्शन है, बहुत आदमी कहना है कि ये मेंडल रेशियो भी हो सकता है, हम भी इसको विश्वास करते हैं। लेकिन जो एक सर्वे किया गया है उसमें देखा गया है, अगर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का जो छोटा छोटा पत्ता है, कोमल पत्ता है, उसको 2-3 पत्ता को अगर गाय के दूध के साथ पिलाया जाए तो गोरा बच्चा हो सकता है। ये मैंने बहुत आदमी का इसमें ये भी है, डिस्प्यूट भी है, लेकिन संथाल लोग का ये रिपोर्ट है। तीसरा नंबर हमारे जो कैंपस में मिलता है वो है मोरिंगा ओलिफेरा।
मोरिंगा सीखने मिलता है। मोरिंगा ओलिफेरा इसको हम लोग सहजन कहते हैं, इसका एक बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। अगर इसका जड़ को निकाल के इसका रस को अगर चौकट में रख दिया जाए तो सांप बिच्छू नहीं आता है। दूसरा नंबर, इसमें स्मॉल अगर इसको खाया जाए तो स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स होने के चांस कम रहता है। तीसरा नंबर, अगर इसके पत्ती को अगर उबाल के उसके पानी को पिया जाए तो प्रेशर की कमी आती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक इसमें बहुत बड़ा अच्छा रिपोर्ट है, संथाल लोगों का रिपोर्ट है कि अगर इसका रस को जिसका खुरैया हुआ है मैंने इसका बेल का या किसी का, तो अगर उसमें डाला जाए तो सारा कीड़ा निकल जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नंबर फोर, ये फैमिली यूफोर्बिया है। यूफोर्बिया हीटर ये एक प्रोसेस हर्ब है जो हमारे कैंपस में मिलता है। इसको अगर पीस किसी का डिसेंट्री होता है तो उसको अगर हम पीस के अगर किसी को पिलाया जाए तो डिसेंट्री 3 खुराक में ही बंद हो जाता है। ये एकदम 100% सही है, इसको हम अपने खुद इसको आजमा के देख चुके हैं। स्पॉटेरिया डल्सिस, स्कॉर्पिया डल्सिस ये हम लोग कैंपस में मिलता है। इसके पत्ते को अगर चबाया जाए लगे कि हम लोग चीनी खा रहे हैं। हाइलेंथस डेरूरी ये इसको हम लोग भू आमला कहते हैं। इसका जो रेकिस है उसमें छोटा छोटा दाना दाना का फल मिलता है, इसको हम लोग भू आमला कहते हैं। इसका अगर पीस कर इसका रस को पिलाया जाए तो इसमें भी जॉन्डिस में फायदा होता है और बहुत जल्दी 1 सप्ताह में इसका रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव आता है। और एक पौधा हम लोग के यहाँ मिलता है एकारेंथस एस्पारा, फैमिली एकारेंथेसी जिसका हम लोग चिड़चिड़ी कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मेडिसिन वैल्यू है। अगर किसी औरत का जब डिलीवरी का समय होता है, जब उसका पेन स्टार्ट होता है, तो उसको अगर इसका रूट को अगर उसका नाभि में रख दिया जाए तो डिलीवरी बड़ा आराम से हो जाता है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसको जब डिलीवर हो जाता है तुरंत उसको वहाँ से निकाल देना होता है, नहीं तो फिर उसका और इस वो बहुत कुछ निकल सकता है। इसीलिए उसका एक प्रोसेस है, वो सबको करना भी नहीं चाहिए, 2.5 माह लोग ही करती हैं इसको। तो इसमें हम लोग जो देखे 10-5-7 प्लांट में जो हम देखे, अगर इसका सही जानकारी हो तो बहुत कम पैसों में, मतलब कम पैसा क्या, पैसा लगता ही नहीं है, इसको हम लोग यूज़ करके आसानी से